अब पूरा कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया है, अब माथा उथा भी पूरा मार दिया, देखिए ये सब में भी पूरा मारा, मुंह को ऐसे हाड़ कर मार रहा था सर। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मरीजों या परिजनों के साथ इनकी झड़प सामने आती ही रहती है। ऐसा ही एक मामला रविवार के शाम देखने को मिला। जिस डॉक्टर को लोगों ने भगवान के रूप मानता है, आज के जो घटना हुआ, जो अभी हम लोग देख रहे हैं और जो जिसका कि वीडियो भी है, उससे यही प्रतीत होता है कि डॉक्टर आज के डॉक्टर हैवान बन गए हैं, उससे कम नहीं है। और जिस तरह से घटना हुई, जिसमें लोगों को मारपीट किया गया, इलाज कराने वाले लोगों को मारपीट किया गया, बहुत उम्मीद के साथ इस रिम्स में लोग आते हैं, पूरे झारखंड से, झारखंड के बाहर से भी लोग आते हैं कि यहाँ पे उम्मीद से आते हैं कि हम इलाज कराएंगे और ठीक होके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टरों के द्वारा, जो पीजी स्टूडेंट हैं जिनको कि रखा गया है देखरेख में, उनके द्वारा जिस तरह से हवानियत किया जाता है, जिस तरह से लोगों के पेशेंट के साथ और उनके साथ जो रहते हैं उनके देखरेख में, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो एकदम क्या कहें, एकदम असहनीय होता है। और उनकी जो स्थिति है आज के दिन, वो वहाँ पे मालिक बन के बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके वजह से आज जो घटना हुई, जो जिनको लोग मारा गया, अगर हमारे पुलिस वाले या वहाँ नहीं होते तो उनकी आज जान चली जाती। इसमें हमारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा गया, हमारे जो अबूज भाई हैं, इन अशरफ अबूज, इनको भी बीच बचाव में मारा गया, काफ़ी मारा गया। और इन लोगों को तो जान से मारने की प्लान थी, वो लोग को जान से मारने का, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं, अपने डेड बॉडी को मांग रहे थे, डेड बॉडी नहीं दे रहे थे और ऑक्सीजन लगाने की मांग कर रहे थे कि इनको लगा कि हमारे पेशेंट अभी बच रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, आपका पेशेंट नहीं बचा है, हम आपका नौकर नहीं है, हम ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। इसी 50,000 रुपये की इन लोगों से मांग किया गया। इसके बाद इन लोगों ने बोला कि हम पैसा कहाँ से देंगे, हम तो आए हैं यहाँ इलाज कराने, हम गरीब हैं, अगर नहीं होता है तो बोलिए, हम दूसरी जगह ले जाएंगे। इसी बीच में इन लोग कुछ विवाद हुई, इसी विवाद में लोग जब बॉडी लेने गए तो बॉडी लेने के क्रम में इन लोग को एक रूम में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद बिरहमी से पीटा गया। उसमें चूंकि सब वीडियो है, इसमें कोई झूठा बात नहीं है, इसलिए मैं प्रशासन और अपने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार के मंत्री जी से भी खासकर आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, तभी इन लोगों की जो मनोबल है वो टूटेगा और वहाँ लोगों को न्याय मिलेगा। सर, पत्रकार के साथ क्या घटना हुई थी वहाँ पे? पत्रकार थे, रिम्स में पत्रकार रहते हैं, पत्रकार देखे कि कुछ हंगामा हो रहा है, वहाँ गए देखने की क्या हंगामा हो रही है। तो कुछ लोगों ने, वहाँ पीजी के लोगों ने पेशेंट का जो अटेंडेंट थे उनको पीट रहे थे, उसी बीच पत्रकार अबूज भाई जो अशरफ जी बचाने के क्रम में गए कि हम बचाए, वहाँ काफ़ी बेरहमी से पीटा जा रहा था, तो वो बचाने के क्रम में अशरफ भाई गए, उनको भी काफ़ी बेरहमी से पीटा गया, उनके हाथ में भी चोट लगी है। तो ये सब बहुत ही शर्मनाक घटना है, ये सब इन सब घटना नहीं होने चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसमें जहां तक जाना होगा उसमें जाएंगे। पहले बस्ती वाले अपना शुभ परिचय बता दीजिए। रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। क्या कुछ मामला हुआ था, क्यों आपके साथ मारपीट की गई? सर, वहां भाभी का सांस चल रहा था तो उसी में डॉक्टर को आवाज़ दे रहे थे, तो डॉक्टर आया, उल्टा पलटा मारने उड़ने लगा, अब पूरा कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया है, अब माथा उथा भी पूरा मार दिया, देखिए ये सब में भी पूरा मारा, मुँह को ऐसे हाड़ कर मार रहा था सर। तो इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाना में की? थाना के सामने मारा है सर, थाना स्टाफ था वहाँ पे, उस लोग का सामने मारा है। जब यहाँ पुलिस पहुँची थी तो क्या पुलिस वालों ने बीच बचाव कराया था? प्रशासन और मीडिया कर्मी भी गया था कि फैसला करवा दे रहे हैं, चलिए मैनेज करवा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी घुसा के मारा है सबको। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार।